डीवाई बीकॉम सेम फाइव के अंदर हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन। उसके अंदर देखिए MySQL के अंदर क्रिएट टेबल का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन को, राइट अ MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट टेबल कॉल बेस्ट। हमारे टेबल का नाम क्या है? बेस्ट। उसको मार्क कर लेंगे बेस्ट। हैविंग द कॉलम कंज्यूमर नंबर ब्रैकेट ओपन सी एन ओ नंबर इंटीजर प्राइमरी की। और देखो हमारे ब्रैकेट के बाहर का है ना, हमें कट करना है। देखो ये है ना कंज्यूमर नंबर, ये बाहर है, हम उसको कट करना है। ब्रैकेट के अंदर का है ना हमारे काम का है। ये देखो सी एन ओ नंबर इंटीजर प्राइमरी की। देखो इंटीजर की जगह पे हमें स्मॉल लेट लिखना है। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर है कंज्यूमर नेम, हम इसको कट करेंगे। हमारे इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रैकेट के अंदर वाला सी नेम कैरेक्टर विथ वेरिएबल 13 कॉलम। तो देखो नेम लिखेंगे, कैरेक्टर की जो कैरेक्टर वेरिएबल है ना उसकी जगह वेर क्या लिखेंगे, वो 30 लिखेंगे ब्रैकेट में। ये क्या है? टाइप्स ऑफ कनेक्शन। तो हम इसको कट करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है और अंदर क्या है? टाइप्स कैरेक्टर विथ वेरिएबल विथ 25 कॉलम। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? टाइप्स लिखेंगे, वेर क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे। और देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर इंडस्ट्रियल हम ये लिखेंगे। ये देखो ये बाहर है, हमें इसको कट कर देंगे। एंड बिल अमाउंट, बिल अमाउंट बाहर है, इसको कट करेंगे। अंदर क्या है? बिल विथ ऑफ 9 इंक्लूडिंग 2 डेसिमल इज पॉजिटिव। अभी देखो इसके अंदर देखो इंक्लूडिंग दिया है, तो इंक्लूडिंग हमें क्या रहता है? हैज इट इज लिखेंगे और ये दो ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको आसान से समझ जाएगा। एक मिनट इसको थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अभी हमारा क्वेश्चन का ना आंसर लिखेंगे। आंसर टेबल का नाम क्या है? बेस्ट। तो सबसे पहले आएगा क्रिएट टेबल क्या है? बेस्ट। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। अभी देखो कंज्यूमर नंबर, तो ये हमारे काम का नहीं, इसको कट कर दिया। अंदर क्या है? सी एन ओ नंबर, ये देखो इंटीजर, उसकी जगह पे स्मॉल इंट लिखना है। स्मॉल इंट प्राइमरी की हेजिटेज आएगा। प्राइमरी की इधर कॉमा आ जाएगा। अब सेकंड क्या बोला है? कंज्यूमर नेम, ये ब्रैकेट के बाहर हमने उसको कट कर दिया। अंदर क्या है? सी नेम और क्या कैरेक्टर विथ वेरिएबल 13 कॉलम। तो हम इसी जगह पे वेर कैर लिखेंगे, वेर कैर 13 कॉलम, इधर कॉमा आ जाएगा। अभी क्या बोला है? और टाइप्स ऑफ कनेक्शन, तो ये ब्रैकेट बाहर इसको कट कर दिया। अंदर क्या है? टाइप्स, तो हम टाइप्स लिखेंगे। टाइप्स देखो कैरेक्टर विथ वेरिएबल 25 कॉलम, तो हम इसकी जगह पे वेर कैर लिखेंगे, वेर कैर कितना है? 25। अभी देखो ये कंटिन्यू है, इधर एक कॉमा दे दिया है ना, ये देखो कंटिन्यू, ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंडस्ट्रियल, तो हमें इधर लिखेंगे कंटिन्यू। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, क्यों मेरे पास पीएस नहीं, मैं इधर लिख रहा हूं। डबल इन्वर्टेड कॉमा और इधर सेमी कॉलम, एंड बिल अमाउंट, बाहर है इसको कट कर दिया। अंदर देखो क्या है? बिल, तो हम बिल लिखेंगे। एक मिनट, दिख रहा है ना ये दोस्तों? हाँ दिख रहा है। बिल 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 और क्या है? विथ विथ ऑफ 9 इंक्लूडिंग 2 डेसिमल आर पॉजिटिव। अब देखो हम डेसिमल लिखेंगे इधर, डेसिमल।
अब देखो ये देखो नाइन इंक्लूडिंग है, नाइन इंक्लूडिंग रहेगा ना तो हर बार हमें नाइन ऐसा लिख देंगे और टू ऐसा लिख देंगे और आर पॉजिटिव, तो इसकी जगह पे क्या अनसाइन आएगा। अनसाइन ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में सेमी कॉलम। अब देखो ये है ना बिल विथ ऑफ नाइन इंक्लूडिंग टू डेसिमल आर पॉजिटिव। ये देखो हमें इस बार इंटीजर रहता है ना, इंटीजर 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 रहेगा ना तो हमें ये सेवन रहता है, इंटीजर रहता ना ये नहीं रहता ना ये लाइन, तो ये सेवन रहता था और ये टू रहता था, तो सेवन प्लस टू नाइन हुआ तो हम नाइन लिखेंगे और टू लिखेंगे। ये इंक्लूडिंग है तो हमें पहले से करके दिया है कि इसके अंदर ऐसा दो ऐड हो गया है, दो ऐड हो गया और ये टू हैज इट इज, इसके कंफ्यूज मत है, इंक्लूडिंग रहेगा हैज इट इज कॉपी करने का है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा है कि इंटीजर है तो दो ऐड होता है और इंक्लूडिंग रहेगा तो हैज इट इज ये नाइन इधर लिखा हो जाएगा और दो ऐसे लिख देंगे, ये मत कंफ्यूज होना, एक माइनर सा है पर ये मार्क्स काट सकता है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।